तो भाई अपनी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, पहले बैटरी पूरी डाल हर गाड़ी का काम करते हैं दीपू भाई। तो जब भी किसी गाड़ी बैटरी के रिलेटेड को, तो भाई अपनी गाड़ी अब स्टार्ट करके देखते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो वीडियो आज का बहुत लेट आ रही है उसके लिए सॉरी। तो आज क्या था, आज मैं वीडियो इसलिए गाड़ी से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी जो होंडा सिविक थी ना जो मैं दिल्ली से लाया था वो हो गई थी अभी, वो कल रात की ना होगी ख़राब। तो वो एक बार पहले भी उसको हुआ था, मेरे को लगा बैटरी वोटरी का फॉल्ट है कोई, तो वो फिर एक बार लाया था मैं बैटरी, तो ऐसा मतलब बैटरी कनेक्ट की दूसरी वाली, तो उसको स्टार्ट किया, स्टार्ट होगी। तो कल भी हमने ये बड़ी कोशिश की रात को, तो कल थोड़ा कहीं पर जाना था, दोस्त की कॉकटेल थी तो हम वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर से तो हुआ ही नहीं वहाँ पर, फिर थोड़ा लेट हो रही थी मैं चल पड़ा, फिर पीछे से पापा ने स्टार्ट वगैरह भी कराई तो स्टार्ट हुई नहीं। तो अब मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ गाड़ी का कोई मैकेनिक, तो उस गाड़ी स्टार्ट करवाते हैं। तो बाकी नहाया गाइस, मैंने बताया ना सर्दियों में नहाने का वो नहीं होता, इतना ज़रूरी नहीं होता डेली नहाना बंदे ने डेली। तो आपको पहले मैं गाड़ी के दर्शन करवा देता हूँ, सुबह सुबह कहाँ लगी है गाड़ी, कल रात की पहले गाड़ी लगी थी इधर जी, स्कूटी लगी है ना, पहले गाड़ी यहाँ पर लगी हुई थी। तो अब क्या किया पापा ने रात को कि थोड़ा किसी से कोई मैकेनिक आया होगा सिटी साइड से, तो फिर वो गाड़ी लगा दी यहाँ पे। अब गाड़ी अपनी लगी है ये यहाँ पे, ये देखो। तो लेके आते हैं मैकेनिक, तो आगे ये गैराज है यहाँ पे कहीं पे, तो उनके भैया को मैं लेके आता हूँ, फिर कराते हैं गाड़ी स्टार्ट, तो फिर देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो गाइस मैं यहाँ पे आया हूँ गैराज में, तो यहाँ पे एक भैया हैं तो वो आ रहे हैं, तो आ गए ये लेके बैटरी। इसको करते हैं यहाँ से ओपन, ये लगाना इसका स्टैंड, लगाना स्टैंड, फिर मैं सेल्फ मारता हूँ। जब हम जा रहे हैं सिटी, क्योंकि वो गाड़ी का वो अपना जैक नहीं मिल रहा, प्रेशर जैक चाहिए था, तो फिर इसने कहीं से अरेंज करवाया, वो हम गए थे पीछे गैराज में। तो जिससे पहले मैं गैराज में गया था ना, तो जैसे मैंने बैटरी वगैरह वाला सिस्टम था वो वहाँ से लाया, तो सिटी वाली तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से हम लाएंगे मिस्त्री है, तो वो भैया तो वो करेंगे कि शायद स्टार्टर शूटर की कोई प्रॉब्लम आई है गाड़ी में, तो वो देखते हैं पहले जैक लगा के, पहले चेक करेंगे उसको निकालेंगे, टाइम तो लगेगा अभी गाड़ी को, गाड़ी वैसी एज इट इज़ लगी हुई है रात की। तो अभी हम सिटी जाते तो आपको मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आगे जाके। तो गाइस पता क्या हुआ, वो उस टाइम पे गाड़ी वगैरह वाला जो बंदा है ना जिसका वेट करने के, हम गए सिटी उसको लेने, उस बंदे ने इतना इंतज़ार कराया भाई, मैंने कहा इतना इंतज़ार नहीं होता, गाड़ी मोड़ी तो अपने कप्तान साहब को लेना, कप्तान साहब को लेके हमने सिरा छोड़ा। तो फिर उसके बाद पापा गए उसको मिस्त्री को लेने, तो मैंने कहा विशी को तू आ जा, तो हम जैक ले आते हैं, वो प्रेशर जैक चाहिए, तो उसकी वजह से गाड़ी ना वो होगी थोड़ी ऊपर होगी, तो उसके बाद फिर स्टार्टर निकाल लेंगे उसका, तो फिर देखते हैं कि कहाँ से ठीक कराना है, वो रिपेयर होगा या नया मिलेगा, वो अब उसके मिस्त्री बताएगा वो हमें जो मैकेनिक आएगा। अभी मैं विश को वेट कर रहा हूँ, मोहल्ले में टहल रहा हूँ, वो आता तो फिर चलते हैं सीधा पहले प्रेशर चेक लेने। तो गाइस अभी हम बैठे हैं गाड़ी में, तो वेट कर रहे हैं, तो पापा जो है उसको लेके आ रहे हैं मैकेनिक को सिटी से, तो हमें जैक नहीं मिला यार, हमने जैक का बड़ा जोर लगा दिया, बड़ा जैक लगा दिया जैक के चक्करों में, इतना जैक लगाया। तो बाकी क्या करना है यार, बैठे हैं ऐसी गर्मी लग रही थी, तो जैकेट खोल के वो पीछे रखी है, दिख रही है वो रखी है, तो साइल भी तो नहीं क्या वो 4712 है ना, नहीं शायद तो वही है, शायद वापस इधर से ही आएंगे। हाँ तो विशु तू क्या बोलना चाहता लड़कियों के बारे में? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, नो कमेंट्स। प्यार करना चाहिए लाइफ में कि नहीं करना चाहिए? ये बीच में आ रहा है यार, तू दिख नहीं रहा, अब बता। नो कमेंट्स ब्रो। ये कौन गया? पता नहीं ये कौन है गाइस, मैंने आगे पीछे लेफ्ट राइट जो भी दिखेगा हम पूछेंगे ये कौन है, तो ये क्यों है, तो कैसे है, तो कैसे नहीं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं बड़ी देर से, तो विशु भी कहता है मैं तेरे को कुछ खिला दूंगा नेस्कैफे में, चल कोई बात नहीं जो तेरी इच्छा खिला देना। क्या मुर्गा खाएंगे? ठीक है गाइस ओके बाय।
तो भाई अपनी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, पहले बैटरी बूटरी डाल के टेस्ट कर ली हमने, तो अब चेक लगा के उठाई हुई है गाड़ी। अब यहाँ चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, बैटरी एक यहाँ पे एक ये पड़ी है, एक लगा के चेक कर लिया, बैटरी से तो कुछ हुआ नहीं, तो अब जब भी होगा तो होना किसी से स्टार्टर, ये बच्चों की तरह खेल रहा है, वो की छूट गया। तो भाई वही ब्लॉग आज दोबारा मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो गाड़ी कल का काम हुआ नहीं था तो आज स्टार्ट हो गया काम। ये गाड़ी यहाँ पे है तो इसको भी काम करेंगे, स्टार्टर इसका आ चुका है तो इसको डालेंगे अभी। तो भाई अपनी गाड़ी अब स्टार्ट करके देखते हैं। हाँ गाइस होगी, होगी अपनी गाड़ी स्टार्ट गाइस, यस यस फाइनली गाइस हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, सामने लगी हुई है, दीपू भाई ने हमारी गाड़ी स्टार्ट कर दी है। दीपू भाई डिक्की खोल दूं? भाई पैसे मिले पैसे। तो दीपू भाई जो है इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन क्या काम मैकेनिक सब है, हर गाड़ी का काम करते हैं दीपू भाई। तो जब भी किसी गाड़ी बैटरी के रिलेटेड कोई भी किसी के रिलेटेड सेल्फ वगैरह गाड़ी के अंदर का कोई इंटीरियर लाइट वगैरह फॉग लैंप्स हॉर्न सब जो भी है, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो कॉल करके इनको होम डिलीवरी का एक्स्ट्रा चार्ज है। तो चलो आप कोशिश करना परेड में इनके पास पहुंच जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस भी डाल दूंगा और साथ में फ़ोन नंबर भी हाईलाइट हो जाएगा। मेरी गाड़ी कोई नहीं स्टार्ट कर सकता, खाली ये दीपू भाई ने स्टार्ट करके दी है दीपू भाई, नहीं तो कल हो जानी थी, यानी सही बात है, सामान नहीं मिल रहा, सामान नहीं मिल रहा, नहीं तो कल स्टार्ट हो जानी थी। ये गलत हो गया थोड़ा, तो गाइस अपनी गाड़ी जो है ना हो चुकी है स्टार्ट, अब रेडी होगी ये पूरी, तो अब इसको कराएंगे वॉश, क्योंकि यहाँ पे वो भैया बैठे थे तो वो उनके हाथ थोड़ा वो थे, मतलब कि ग्रीस ग्रूस लगी हुई थी तो उसकी वजह से सारी ये ख़राब हो गई है, ये थोड़ा सा इस पर भी मुराएंगे कपड़ा। तो बाकी अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट होगी, ये देखो एक मिनट को पार्किंग में डाल दी, होगी नहीं स्टार्टअप। तो अब इसको क्या करेंगे, वॉश कराएंगे पूरे, अंदर से गंदी हो चुकी है मैट मूट, इस साइड वाला मैट, इस साइड पीछे भी सारी वॉश वॉश करते हैं इसका आमलेट को। ओह भाई इतनी वो हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म मेरे अंदर, इसको आमलेट को खोलते हैं, अच्छी लगती है गाड़ी यार, उसमें क्या होता है भाई के बाल बूल देख लो। अब तो आज वो दोस्त की थोड़ी मैरिज भी है तो उधर भी जाना है हमने, तो पहले गाड़ी वॉश कराते हैं, वॉश भी आ रहे हैं, उनको वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सेक्टर के बाहर ही है, देखो पुलिस स्टेशन ही अंदर है ये, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ, उनको कहा जल्दी आओ, वो कहते हैं मैं आता हूँ, तो फिर चलते हैं वॉश कराने गाड़ी। तो कहीं गाड़ी वॉश हो रही है हमारी अपनी, तो हम दोनों अंदर ही बैठे, हमने कहा अंदर बाहर क्या करना, बाहर ठंड पड़ी है, तो यहाँ पे देख रहे हो स्नो पड़ चुकी है भाई, कैसे पड़ रहे हैं ड्रॉप्स इसके, ऊपर है ऊपर है, नहीं पर इसके ड्रॉप्स कैसे पड़ रहे हैं, क्या बोलते हो उसके। तो कहीं गाड़ी वॉश हो रही है हमारी अपनी, तो हम दोनों अंदर ही बैठे, हमने कहा अंदर बाहर क्या करना, बाहर ठंड पड़ी है, तो यहाँ पे देख रहे हो स्नो पड़ चुकी है भाई, कैसे पड़ रहे हैं ड्रॉप्स इसके, ऊपर है ऊपर है, नहीं पर इसके ड्रॉप्स कैसे पड़ रहे हैं, क्या बोलते हो उसके। तो भाई अपनी गाड़ी जो है साफ हो चुकी है यहाँ पे, गियर मांग रही है तो अभी हम पहुंच गए, गाड़ी पूरी हमने नीट एंड क्लीन करा चुके हैं, तो इस टाइम हम पहुंच गए आंफला चौक में भाई, चक्कर पता क्या, विशाल भाई ने तुझे भी पकड़ लेना है, चक्कर पता क्या, विशाल भाई ने तुझे पकड़ लेना रोस्ट के लिए भाई, भाई तभी तो कहा था हमने, ओए तुझे कहा भी था ऑटोमेटिक ले लो यार मैम, अब समय से नहीं हुआ वो तो ठीक है, मैम ने हमारा भी करा दिया था, ऊपर चल ऊपर ही चल यार, ऊपर से क्या करना है, इधर से निकालना सीधे बाहर, खाली है भाई, यहाँ पे ट्रैफिक तो ऊपर को ही दिख रहा था, हॉर्न देखा कितने बड़े हैं इसके भाई, इससे बड़े ना चालान होने थे, इसलिए ना इसको कम कर दूं और सिंगल कर, सिंगल मार रहा है, एक मिनट सिंगल, आवाज ही नहीं आ रही, मेरी स्कूटी नहीं है ना आ रही है
सिंगल कौन कर दूंगा, सिंगल कर दे नहीं तो चालान हो जाएगा। जान दो इसके पीछे से इसके पक्का ना। हां भाई पक्का नहीं भाई, इधर से कहां इधर कोई चालान हो सकता है यार। तो गाइस बस भी एक ड्रॉप कर दिया मैंने, तो जा रहे हैं मम्मा वगैरह सिटी आए हुए थे, मैंने कहा चलो उनको वापस ले जाते हैं। तो मम्मा उनको सिटी लेके, तो रात की शादी भी है यार, कपड़े नहीं है यार मेरे पास, कहीं देखो कपड़े गिफ्ट करो पहले, मेरे को कोई कपड़े दे दो यार। अब मैं सोच रहा हूँ रात को डालूँ क्या यार, कुछ समझ नहीं आ रही, होगा पता है मेरे को बड़ा कुछ, पर यार बियर्ड भी ट्रिम करानी है, बड़ा चक्कर है यार, अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बाल भी सेट नहीं, वो नहीं, अभी नहाना है घर जाके, नहाया मेरे को पता है गाइस नहीं नहाया, वो आए नहा लूंगा ना यार, आए नहाएंगे टेंशन लो, आए पक्का नहाएंगे, आए घर जाते ही नहा के फिर पहले वो करा के आऊंगा, गाड़ी सेट करा के फिर उसके बाद अपना बाल बुल तो फिर बाद में कराने पड़ेंगे यार। चलो देखते हैं वो बाद का प्रोसीजर। वाकई यार बड़ी बड़ी चीजें जो मैं सीख रहा हूँ ना, बड़े उच्च कोटि के ब्लॉगर रुद्रा की ऐसे ऐसे शब्द सीख रहे हैं ना, अच्छे लगते हैं यार। ऐसा गया ना स्कूटी वाला, गाइस अभी पता क्या सीन हुआ, भाई मैं बस भी को छोड़ने गया, भाई भाई एक लड़का और लड़की लड़ रहे हैं दोनों, भाई लड़की ने लड़के का फोन पकड़ा, दे मारा भाई दीवार के साथ, उसके बाद दे गालियां बगालियां आपस में, भाई बड़ा चक्कर होता है यार, नहीं रोड पे मत लड़ा करो यार, घर जाके पीटो एक दूसरे को, अब घर भी नहीं जा सकते ऊपर से, लो भाई लो 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 भाई लो, ये देखो भाई बीच में से जाने की जिनको आदत होती है ना वो कभी नहीं सुधर सकते, क्योंकि वो ऊपर से देख रहे हैं कि क्या बताऊँ यार मैं आपको, अब मैं इधर कर रहा हूँ। सो तो गाइस मैं अभी गया था कहीं पार्टी पे, तो वहाँ से भी आगे लेट हो गया, ये आउटफिट था। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1000 सब्सक्राइबर के लिए कोई 207 सब्सक्राइबर चाहिए बस, और मतलब कि अभी तक के लिए, तो गाइस कर दो यार, इतना तो मेरे लिए नहीं कर सकतेगा आप, मेरे को एक बताओ, एक हर एक बंदा अपने तीन, एक अगले बंदे को बोले तो उसको बोले, वो आगे तीन को बोले, करते करते चेन जब बनेगी तो कितने बंदे सब्सक्राइबर जुट गए, मैं कह रहा हूँ हज़ारों लखों में पहुँच जाऊँगा भाई आपका, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करेगा ना, आपको पता है मैं बिना बोले ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर कर देता हूँ, तो कमेंट आने की ज़रूरत क्या है, कमेंट अब कोई कोई बोलेंगे कमेंट तेरे को आते ही नहीं है, और भाई आएंगे टाइम से आएंगे। तो चलो आज की वीडियो को यहाँ भी एंड करते हैं, ज्ञान कुछ ज़्यादा हो गया, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन।